नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्तारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 7 बार समन भेजा, लेकिन हर बार सोरेन किसी न किसी बहाने से ईडी के सामने पेश नहीं हुए और बचते रहे। पर इस बार ईडी के रुख से साफ हो गया है कि अगर इस बार सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो एजेंसी कड़ा कदम उठा सकती है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर क्या तलवारी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने 7वीं बार समन भेजा। ईडी ने अपने पत्र में कहा था कि हेमंत सोरेन खुद तय करें कि कहां पूछताछ होगी, अधिकारी वहीं पहुंच जाएंगे, साथ ही जगह बताने के लिए 2 दिन और पूछताछ के लिए 7 दिन का समय दिया गया। चूंकि पत्र 29 नवंबर 2023 को भेजा था, ऐसे में जगह बताने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर चर्चा है कि झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 7 बार समन भेजा है, लेकिन वह किसी भी समन में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद से उनके गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। ईडी के एक्शन के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। राज्य की सियासत में 3 बड़े घटनाक्रम हुए, जिनमें झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने का संकेत मिलता नजर आता है। पहला, हेमंत सोरेन ने ईडी को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेज दिया है। दूसरा ये कि झारखंड सरकार में शामिल घटक दलों की अहम बैठक बुलाई गई। और तीसरा, ईडी ने अगले एक्शन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगले 48 घंटे सोरेन सरकार के लिए बहुत अहम है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो हेमंत सोरेन ने अपना प्लान बना लिया है, जिसके तहत कल्पना सोरेन को कुर्सी ट्रांसफर की जाएगी, जिसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया। दिसंबर के आखिरी दिनों में जब हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन मिला, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने आगे की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत बीते दिन पार्टी के सीनियर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया। सरफराज झारखंड की गांडेय विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, ये सीट सेफ है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कल्पना सोरेन पहले सीएम बनेंगी और फिर गांडेय सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हेमंत सोरेन के लिए पत्नी कल्पना को सीएम की कुर्सी सौंपना इतना आसान भी नहीं है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई बसंत सोरेन खुद सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वे इस आए अफसर को हाथ से जाने नहीं देंगे और वे हेमंत पर इस बात के लिए पूरी तरह से दबाव बनाएंगे कि उन्हें राज्य का सीएम बनाया जाए। वहीं बीजेपी इस बात की ताक में है कि सोरेन परिवार के बीच मतभेद सामने आए और वह इसका फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको इस पूरे माजरे के कुछ मुख्य बिंदु बताते हैं। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार, ईडी हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है।
सोरेन अभी तक ईडी के सामने एक भी बार पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी करना चाहती है पूछताछ, पत्नी कल्पना को मिल सकती है सीएम पद की जिम्मेदारी। अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं झारखंड की राजनीति में। सीएम की कानून व्यवस्था लगातार खराब, जिन्हें गलत किया है उन्हें परिणाम भुगतना होगा, यह राजभवन की तरफ से बयान आया है। और अभी तक एक भी बार, सात बार समन भेजा गया ईडी की तरफ से, और आखिरी समन में तो यहां तक कहा गया कि मुख्यमंत्री साहब आप ही ये बता दीजिए कि आपको कहां पूछताछ करानी है, कितने समय पर करानी है, कब करानी है। लेकिन उसके बाद भी जो समय सीमा मांगी गई थी, जो जगह बतानी थी, जो समय देना था, हेमंत सोरेन नहीं दे पाए हैं। जबकि ईडी ने यह कहा था कि हमारे अफसर वहीं पहुंचेंगे जहां आप बताएंगे और उसी जगह पर जाकर वो आपसे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन अभी भी जब इस बात का जवाब नहीं दिया गया तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अब इसके आगे ईडी क्या करेगी? क्या ईडी गिरफ्तार करेगी हेमंत सोरेन को? और क्या उसी गिरफ्तारी की वजह से अब बैठक बैठक का खेल शुरू हो चुका है, आगे की रणनीति, आगे का रोडमैप बनाया जा रहा है या बन चुका है, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। जो विधायक दल की बैठक हेमंत सोरेन ने बुलाई है उसको लेकर, तो क्या अब अपनी पूरी जिम्मेदारी वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे देंगे? और क्या कल्पना सोरेन के पास ये जिम्मेदारी जाने के साथ ही क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल जाएगी? और क्या यह सब कुछ इतना आसान होगा? क्या सभी विधायक इतनी आसानी से कल्पना सोरेन के नाम को लेकर मान जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि इसी बीच हेमंत सोरेन के बड़े भाई बसंत सोरेन हैं। बसंत सोरेन भी ये सपना सजोकर बैठे हैं कि अब राज्य का मुखिया वो बने। और जब ऐसा मौका आ रहा हो कि अगर ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, कुर्सी खाली होती है, तो पहले से राजनीति में दबदबा, बड़े भाई होने के नाते भी और विधायक होने के नाते भी, तो क्या बसंत सोरेन उस कुर्सी पर कल्पना सोरेन को बैठने के लिए राह में कहीं कोई रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति की फिजाओं में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद, यानी कि जो बैठक चल रही है, उस बैठक के साथ ये सवाल भी उतनी ही तेजी से चल रहे हैं कि आखिर इस बैठक के बाद क्या होगा, इस बैठक में चर्चा किन बिंदुओं पर है, और बिंदुओं पर जिन पर है, क्या अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, आखिर कितने विधायक किस बात पर सहमति देते हैं, ये तमाम सवाल अपने आप में हैं। और अब इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। परेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेएमएम। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय तिवारी। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। परेश जी, विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या कुछ खास होने वाला है राज्य में? बैठक है, विधायक दल की हमेशा बैठक हुआ करती है। ये पहले ही से बैठक का समय दिन निर्धारित था, ये कुछ बड़ा कोई नया चीज नहीं, नया चीज नहीं है। विधायक दल की बैठक जब भी माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश होता है तो बैठते हैं। परेश जी, यूं समझा जाए कि जो बैठक हो रही है वो सामान्य है, जो बैठक हो रही है वो सामान्य है, यूं समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य। और जिस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो झारखंड की राजनीति में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल सकता है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या समझा जाए इन सवालों को? इस मामले में इस संबंध में खुद माननीय मुख्यमंत्री ने अभी दो दिन पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि नेतृत्व परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो इस संबंध में उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन से संबंध में उनके उनकी पत्नी के मुख्यमंत्री बनने के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये
अपना जो बीजेपी का काम है कि किसी चलिए, तरह मैं अस्थिर नहीं, मैं करते इसीलिए रहे मैंने सारे सवाल, सरकार को। परेश जी, और मैं इसीलिए आपसे वही सवाल कर रहा हूं जो झारखंड की राजनीति में इस समय पर उठ रहे हैं, तो मैं उन्हीं को क्लियर करना चाहता हूं ताकि मैं प्रदीप जी से बात करूं तो फिर उनके जो जवाब हो या उनका जो काउंटर हो वो भी मिलता रहे साथ के साथ। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि 7 बार समन भेजा गया ईडी के द्वारा, पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ईडी को माननीय मुख्यमंत्री की ओर से चला गया है सील बंद लिफाफा, आप ही लोग के समाचार चैनल ने ये दिखाया। और ईडी ने जो निर्धारित समय दिया था उनको लिफाफा भेज दिया गया है। कल ही उनको जो अस्पष्ट, अब उस लिफाफा में अपनी सारी बातें लिखी हुई है। ईडी ने आखिरी संबंध जो आप तथाकथित आखिरी संबंध है उसमें निर्देशित किया था कि स्थान मांगा था कि किस स्थान पर चाहे वहां पे पूछताछ की जा सकती है। तो उस संबंध में जो भी रिक्वायरमेंट था वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने उसको ईडी के कार्यालय में भिजवा दिया है। ठीक है प्रदीप अब जी, ईडी के हाथ में बॉल है, अब ईडी उस पर क्या करती है। ठीक है ईडी प्रदीप का तो जी, कार्य है इसी तरह प्रेशर, ईडी उनका तो एक तरह से हाँ बिल्कुल, परेश जी, पॉलिटिकल। परेश जी लौटता हूँ, लौटता हूँ, परेश जी लौटूंगा। प्रदीप जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो समन आए थे हमने उसके जवाब दिए, सातवां जो आखिरी समन था इसको लेकर भी जो समय मांगा गया था, जो स्थान का नाम पूछा गया था, वो बंद लिफाफे में चला गया है, और अगर मुख्यमंत्री इस पर बयान दे चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो फिर ये नेतृत्व बदलेगा, ये खबरें कैसे? खबर के तो काम में अपने चौथा कदम है, तो खबरें कैसे इसे तो आप या आपके सहयोगी बता सकते हैं। हाँ, मुद्दे की बात पे अगर हम कहें, आपके प्रश्न का सार पे अगर मैं आऊं, तो देखिए 7 बार ईडी का समन, शायद ये भारत के संवैधानिक इतिहास में ये पहला उदाहरण होगा कि 7 बार ईडी का समन गया, और ये शायद इस बात का भी जवाब होगा कि बहुत सारे लोग जब आरोप लगाते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी ईडी सीआईडी या ईडी सीबीआई भेज देगी, तो अब यहाँ पे इस बात से पता लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भेज रही होती तो पहले ही बार में काम हो जाना था, 7 बार क्यों लौटती ईडी? तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, और संविधान के दायरे में रह करके अगर कोई व्यक्ति उससे अपनी बात कहता या करता है तो बार बार हमारी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए कि ये आपके आर्थिक कुंडली है, ये आपके माध्यम से। बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाह रहा हूँ, लोगों को क्षण भर भी नहीं लगता ये कहने के लिए कि आप लोग ईडी सीबीआई भेज देंगे। अरे हमारे में इतना दम होता कि ईडी सीबीआई भेज देते तो क्या हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे क्या विपक्षी दल है वो अब तक मुख्यमंत्री बने रहते? के चैनल या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि 6-7 महीने पहले जब मई जून का महीना था, अप्रैल मई का महीना था, तो इसी इसी विषय पर चर्चा हुई थी, जहां हेमंत सोरेन जी की जो है सदस्यता जाने वाली थी, उन्होंने क्या किया था कि अपने ही विभाग में रहते हुए अपने आप की ही कंपनी को आवंटित कर दिया था, कुछ हो या जो भी रहा हो मुझे अभी ध्यान नहीं था। लेकिन उस समय भी काफी चर्चा चली थी कि अब तो जाने वाली है, जाने वाली है। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पार्टी ये भाजपा का आपके सबूत पार्टी, है। अरे इस तरह का कुछ बात सर होती सर सीलबंद परेश जी, परेश जी, लिफाफा, परेश जी, मैं ये लौटूंगा भाजपा आपके का पास, सबूत है। परेश जी, लिफाफा परेश जी, मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास, सुन एक एक लीजिए, करके थोड़ा बात सुन करेंगे। जी लीजिए, जी मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था गुरुदेव, आप हाँ काफी प्रदीप जी, मैंने टोक दिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदीप जी, मैंने उनको टोक दिया। जी, तो हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान हो, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, तो ये जो प्रश्न आपने पूछा था कि ये परिवर्तन का क्या क्या कैसे छूटा हुआ है, तो हो सकता है कि उनका संविधान देश के संविधान से ऊपर वो लोग मानते हो, और अपने संविधान को ही मानते हो, देश के संविधान को ना मानते हो, पार्टी का भी संविधान होता है, तो हो सकता है, लेकिन वो उनका देश के इंटरनल मैटर संविधान है। को ऊपर भाजपा वाले मानते हैं सर, अरे भाजपा उनका वाले इंटरनल मानते हैं मामला देश है के यार संविधान जी, से तो ऊपर। गांधीजी और बड़े भाई गोडसे में बनेंगे लड़ाई कि भाजपा पत्नी वाले बनेंगी करते हैं। मुख्यमंत्री? ये देश के संविधान को परेश मानने जी, वाली पार्टी है हमारी। परेश जी, आपके जो पॉइंट है आप नोट कर लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात तब रखिएगा। प्रदीप जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, हो सकता है कि राबड़ी जी पे लगा हुआ दाग घुस जाए, यदि देश की जनता ये भी मांग रही होगी, मतलब प्रतीक्षा कर रही होगी कि एक नया उदाहरण देखने को मिले आने वाले समय में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, और ठीक है। चूंकि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये अपना कार्य कर रही है, तो
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता का किसी का भी बस नहीं है उधर। सरकार में भारतीय जनता केंद्र में हमारी सरकार है, हम आम चुनाव जीत के आए हैं और दोबारा हम आम चुनाव जीतेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जो ठीक है ठीक है। प्रदीप जी हाँ आगे बात। डॉक्टर अजय तिवारी, क्या लगता है कि अब जो विधायक दल की बैठक हो रही है झारखंड में वो इतनी सामान्य है? राणा साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत प्रणाम करता हूँ। पैनल शो की मैंने सुनी और आपका कहना बिल्कुल उचित है कि ये बैठक सामान्य नहीं है। भले ही परेश जी इस बात को हमेशा का सामान्य का रूप देने की कोशिश करें, पर यह बैठक सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि ईडी का संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी काफी दिनों से जा रही है, अरविंद केजरीवाल को भी जा रही है और हेमंत सोरेन के पास भी जा रही है। आयुक्त नितिन कुलकर्णी के शिकायत पर सेना नियंत्रित जो जमीन है उसकी खरीद फरोख्त का मामला, इसके अलावा खनन का मामला जो हेमंत सोरेन पर लगा है, इसके लिए ईडी संबंध दे रही है। अब आप ईडी के संबंध का जवाब लेटर के द्वारा दे रहे हैं, पूछताछ नहीं हो पा रही है, इस कारण से जो लास्ट जो 7 बार देने के बाद यदि कहीं कुछ ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है। और अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है, उस तय का ये मीटिंग चल रही है कि फिर कौन संभालेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चे को जो है शिबू सोरेन जी ने बड़े ही मेहनत से बनाया है और अब तक उस पर काबिज है वो पूरा परिवार। और आज उनके बड़े भाई भी इस बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े भाई विधायक भी हैं, साथ में भी लगे हुए हैं कि भाई अगर मैं बड़ा हूं और विधायक भी हूं और विधायक दल की बैठक में मुझे भी चुना जा सकता है, ऐसी स्थिति में ये बड़े भाई नहीं है सर, नहीं हो सकती है ये निश्चित तौर से। तिवारी जी आप ध्यान से सुनिए, पहले इसको समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये समीकरण है, ये समीक्षा है कि अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो, क्योंकि मुद्दा भी गंभीर है। आप सोचिए तिवारी जी, परेश जी, आप सेना नियंत्रित जमीन की खरीद फरोख्त का मामला एक आयुक्त द्वारा शिकायत किया गया, नितिन कुलकर्णी द्वारा शिकायत किया गया है, ये ठीक है, अब उसकी जांच तो राणा साहब जांच तो होनी ही है और जांच होनी भी चाहिए। अब अगर ईडी ने संबंध दिया है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसे मनीष सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, आपकी भी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल जी की भी हो सकती है। डॉक्टर अजय तिवारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जिस तरह से जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 7वां समन आया बंद लिफाफे में उसका जवाब दे दिया गया, तो क्या इसके बाद भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आती है? निश्चित तौर से आती है। देखिए, जवाब पत्र में देना और पूछताछ करना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप देखिए, पुलिस में कहीं भी जवाब दे देना, कोर्ट के द्वारा जवाब दे देना, ये तो कोर्ट में चलता है। ईडी तो बिना पूछताछ के मानती नहीं है, पूछताछ से पता लगता है, क्योंकि वो पत्र में तो एक तरफा लिखा जाता है, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें लिखता है, लेकिन सामने जब वो क्वेश्चन उठ के आता है तब उस जवाब में साफ साफ रिकॉर्डिंग होती है जी। किसने क्या क्वेश्चन किया और कहां पर मुलजिम फंसा और कहां पर मुलजिम नहीं फंसा। तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि हेमंत सोरेन मुलजिम है, अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि ये घोटाला आयुक्त द्वारा शिकायत करने पर जांच की जा रही है, तो हो सकता है कि उसमें गिरफ्तारी हो जाए। और अगर गिरफ्तारी होती है तो आप समझिए कि 1997 की घटना याद करिए, 1997 की वो घटना याद करिए जिसमें कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में अगर पत्नी को महिला भी, एक झारखंड में एक महिला मुख्यमंत्री भी मिल जाए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जांच अगर हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हेमंत सोरेन की पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि वो घबरा जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि ईडी का शिकंजा अगर कसता है, अगर सच्चाई निकलती है, तो निश्चित तौर से वो जेल जाएंगे, और अगर वो जेल गए तो पार्टी में या तो उनके बड़े भाई या उनकी पत्नी या विधायक दल की ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कौन सा व्यक्ति नेतृत्व करेगा, मेरे ख्याल से तो आज यही तय होना है, और इस तय के बाद अभी इसमें समय है, अभी टाइम लगेगा। परेश जी, परेश जी, जो मामला चल रहा है जमीन घोटाले को लेकर, क्या ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है तो उसके सामने पेश होने में दिक्कत क्या,
ये कागजी कागजी खेल क्यों खेला जा रहा है? ईडी ने जो आखिरी संबंध कहा जाता है, लास्ट संबंध जो उन्होंने दिया, अब ये क्या संबंध दिया? हो सकता है क्वेश्चन आयर दिया हो, लोग कहते हैं जैसा मीडिया में हम लोग जान रहे हैं, मीडिया से खबर आ रही है कि नहीं, उसमें माना मांगा गया था कि आप किस स्थान पे चाहते हैं पूछताछ करना, वो स्थान बताइए, हम पूछताछ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आयर भी दिया जा सकता। हाँ नहीं, वो तो समझ में आता है, लेकिन सोचे ना कि ईडी को ये समन क्यों भेजना पड़ा? परेश जी, ईडी को ये समन क्यों भेजना पड़ा? ईडी छह बार आपको भेज चुकी है। सेक्शन 41A है सर सीआरपीसी का, उसमें समन भेजना कानूनी बाध्यता। वो अगर किसी से जांच करना चाहती है कोई एजेंसी, तो उसको समन भेजना ही है। मेरा सवाल भी वही था परेश जी, ऐसा सारे मामले में। परेश जी, मेरा सवाल भी वही है कि आखिर इतने समन भेजने की जरूरत क्या पड़ी, फिर ईडी को अपना सातवें समन में ये लिखकर। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी एक पर तो जा सकते थे ना मुख्यमंत्री। इतना समन भेजने की जरूरत पड़े, यही बताता है कि ये पूरी पूर्णता पॉलिटिकल मोटिवेटेड। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ परेश जी। परेश जी, कुछ भी, हाँ परेश जी भी अगर परेश जी तो गिरफ्तार। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया आपकी बात। अगर आप पर कोई सवाल उठता है परेश जी, अगर आप पर कोई सवाल उठता है तो आप उससे बचकर भागेंगे या उसका सामना करेंगे? सामना कर रहे हैं हम, बच कर। वही तो सामने ही तो नहीं दिख रहा, इसीलिए तो मैंने ये सवाल उठाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर अगर समन भेजा गया तो एक बार चले जाते ईडी के सामने बातचीत करने के लिए, पूछताछ करवाने के लिए कि ठीक है भैया पूछ लो सवाल क्या पूछना है। आप देख रहे हैं ईडी के समन का कंप्लायंस कर दिया गया है, अब उस पर ईडी क्या करती है? ईडी को इतना सारा समन भेजने की आवश्यकता पड़ गई? अगर कुछ भी रहता इसके अगेंस्ट में, माननीय मुख्यमंत्री अगेंस्ट जरा सा भी अगर कोई साक्ष्य होता, साक्ष्य का कहीं पर दिखाई पड़ता, तो अभी तक ईडी चुप नहीं बैठती, कोई भी एजेंसी चुप नहीं बैठती। ईडी तो अभी चुप है ही नहीं। अगर चुप है कहां ईडी? ईडी ने तो आपको अभी भी समन भेजा है ना? ये तो, हाँ तो उसका रिप्लाई हम लोग कर दिए, उसका कंप्लायंस हो गया समन का। अगर आप पर कोई सवाल उठाए परेश जी, अगर आप पर कोई सवाल उठाए और आप उसे टेक्स्ट मैसेज भेजे या लेटर लेटर खेले, तो इससे तो भाग नहीं कहेंगे ना? देखिए मैं आपको एक कानून की बात बता रहा हूँ। हाँ। सेक्शन 41A में जो समन भेजती है, हाँ, उसका 161 सीआरपीसी में पूछताछ किया जाता है। हाँ। 161 सीआरपीसी में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन तो कोर्ट में होता है सर। तो ये क्वेश्चन आयर भी भेज सकते, परेश जी, मेरा भी यही है कि आप जितना सिंपल उसको बता रहे हैं उतना सिंपल समझकर आप चले क्यों नहीं गए वहां तक? हमने कंप्लायंस कर दिया, अगर ईडी के पास कुछ था तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर ली? ठीक है ठीक है। प्रदीप जी, उनका कहना है कि अगर हमारे खिलाफ कोई आरोप था या कोई घोटाला था या कोई साक्ष्य है ईडी के पास, तो हम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, समन क्यों खेल रहे हैं? लेकिन राणा जी, नहीं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर ली है? लगता है कि जेएमएम के कार्यकर्ता होने के प्रथम संबंध के बाद ही कर सकते थे, तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कानून को समझते हैं। और उसी परिधि में रहकर के मैं ये बताना चाहूंगा कि हर संस्था का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो काम करती है। अब अगर ये जो बिना तर्क के तानाशाही होने का आरोप जो लगता रहा, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि अगर भाजपा तानाशाही होती या हमारी सरकार तानाशाही होती तो अब तक हेमंत जी पता नहीं कहाँ होते, किसी जेल में पड़े होते। लेकिन चूंकि ईडी का अपना एक प्रोटोकॉल है, ईडी जब तक अभी उन्होंने सामान्य तरीके से भेजा, अब वो उपस्थित होंगे तो ये देश की जनता देख रही है कि किस, अब निश्चित तौर पर वो भी संविधान के अंतर्गत ही कुछ चेक कर रहे होंगे ना। जब तक ये देखे, अगर अपराध करने के बाद केवल टाला जा सकता है, भारतीय संविधान में बचा नहीं जा सकता, तो वो सारे पैतरे लगभग हो सकता है आजमा लिए गए हों। अभी आखिरी रह गया है जिसके दाव के बाद अब उनकी गिरफ्तारी अवश्य संभावी। ठीक ठीक। अजय जी, अगर कुछ सबूत है हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास, तो फिर इतना डिले क्यों, इतना समन खेलने की जरूरत क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल सही कहा है प्रदीप जी ने कि प्रोटोकॉल होता है, हर आदमी का सिस्टम होता है। और अभी हमारे परेश जी ने भी बड़ा अच्छा बताया कि ये जो लेटरबाजी है,
ये कोर्ट का काम है पूछना, तो पैरोल पे भी आदमी को आप देखिए, जब रिमांड पर लिया जाता है किसी मुलजिम को, रिमांड पर लिया जाता है सिर्फ पूछताछ के लिए लिया जाता है, शिबू सोरेन जी को खुलकर सामना करना चाहिए और सामने जाकर के अपनी बात को रखनी चाहिए और पूछताछ में आना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे नहीं है, आप देखिए झारखंड में जितने भी शिबू सोरेन के करीबी हैं, चाहे वो शराब के कारोबारी हो, चाहे वो पत्थर के कारोबारी हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में कितने लोग आए हैं, वो कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं। और उस गिरफ्तारी को राणा साहब आप सब झारखंड के इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम को समझने की कोशिश करिए, उनके बहुत से करीबियों के ऊपर ईडी ने शिकंजा कस रखा है। तो जब तक सामने वो पूछताछ नहीं करेगी और ये जवाब नहीं देंगे, गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल अजय जी एक और सवाल, समय भी बड़ा कम है, एक और सवाल ये कि अगर नेतृत्व बदलने की बात आई या बदला जाता है तो क्या कल्पना सोरेन के लिए आसान होगी कुर्सी बसंत सोरेन के होते? हाँ, बिल्कुल आसान होगी, क्योंकि शिबू सोरेन जी का अभी भी सिक्का इन पूरे परिवार में चलता है। शिबू सोरेन जी अभी भी जीवित हैं और पूरे परिवार में सिक्का चलता है। शिबू सोरेन जी से बात करके ही हेमंत सोरेन जी ने ये बैठक बुलाई है। क्या बसंत सोरेन अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई अड़ंगा अड़ाएंगे और कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मेरी विचारधारा ऐसी जा रही है कि उनको एक तो प्रथम महिला मिल जाएंगी झारखंड में बिहार की, दूसरा जो बिहार की कवायद जो चल रही थी कि भाई राबड़ी जी बन गई हैं तो ये भी बन सकती हैं। लेकिन बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि अब ईडी के द्वारा जो समन भेजा गया था, सातवां और आखिरी समन, उसी के तहत अब जेएमएम का यह कहना है कि बंद लिफाफे में वो भी अपना जवाब दे चुकी है। अब इसके आगे ईडी क्या करती है, क्या एक्शन लेती है और उसके आगे की कार्रवाई क्या होती है, यह देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।